रविंद्र कौशिक, नाम तो सुना होगा। शक्ल बदलने में माहिर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर। नहीं सुना तो चलो हम सुनाते हैं। श्री गंगानगर में एक हिंदू पंडित के घर पैदा हुआ भारत का ब्लैक टाइगर, जिसका नाम रखा गया रविंद्र। रविंद्र नाटक एक्टिंग करने का बड़ा शौकीन था। उसको रूप बदलकर बहरूपिया बनने में महारत हासिल थी, पर इस होनहार कलाकार की किस्मत भी भगवान ने कुछ अलग ही लिख रखी थी। वह यूं कि रविंद्र की एक्टिंग देखकर लखनऊ के एक सेठ ने रविंद्र को लखनऊ बुलाया, जहां उन्होंने देश प्रेम का रोल अदा किया। उस किरदार में रविंद्र भारतीय सैनिक बने थे जो चीन में पकड़े गए और एक कैदी के दर्द को एक्टिंग के जरिए बता रहे थे। लोगों को ये एक्टिंग बिल्कुल सच की तरह लग रही थी। उसी भीड़ में एक रो का अधिकारी ये नाटक देख रहा था। उसने रविंद्र को कहा, मेरे लिए काम करोगे? उसने रविंद्र को काम तो नहीं बताया, पर इतना कहा कि बहरूपिया बनकर मुसलमान की एक्टिंग करनी पड़ेगी। रविंद्र ने कहा, क्यों नहीं। रविंद्र के हामी भरने के बाद रो द्वारा उसे एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। फिर रविंद्र की 2 सालों तक ट्रेनिंग चली और यह भी देखा गया कि रविंद्र में देश प्रेम और धर्म के प्रति कितनी आस्था है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहीं मुस्लिम देश में कोई एजेंट पकड़ा जाए तो वो किस हद तक मुंह खोल सकता है। रविंद्र हर परीक्षा में पास हुआ। रविंद्र ने रो के अधिकारियों को खुश कर दिया था। आखिर में रविंद्र के इम्तिहान का दिन आ ही गया। रो के एक बड़े अधिकारी ने रविंद्र को बोला, पाकिस्तान जाओगे? रविंद्र ने कहा, हाँ, जैसा आपका आदेश। रो एजेंट ने कहा, तुम जासूस बन के पाकिस्तान जाओगे, मर गए तो तुम जानो और तुम्हारा काम, पकड़े गए तो हम आपके हैं कौन वाली बात होगी, मतलब हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं। रविंद्र ने कहा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, कोई मेरी रूप बदलने की कला को आज तक नहीं पकड़ पाया। इतना ही रो के अधिकारियों को सुनना था। फिर रविंद्र का बकायदा खतना भी करवाया गया। उसको हर दिन 5 बार मुस्लिम की तरह नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी गई। उसको पूरा मुसलमान बनाया गया। उसको उर्दू सिखाई गई। उसको कुछ दिन मुसलमानों के साथ भी रखा गया। उसको कहा गया कि इस बारे में किसी को मत बताना, यहां तक कि अपने घर में अपनी मां को भी मत बताना, और तुम्हारे घर में तुम्हारे काम के बदले पैसे हम पहुंचा दिया करेंगे। तो रविंद्र ने अपने घर पर यही बताया कि उसकी दुबई में नौकरी लग गई और वह दुबई में रहकर ही कमाएगा और उनके पास पैसे भेजा करेगा। परिवार ने राजी खुशी उसको विदा कर दिया। फिर उसको सेना द्वारा भारतीय सीमा पार करवा कर पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां रविंद्र को अब अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। रविंद्र ने पाकिस्तान जाकर सबसे पहले अपना शिनाख्ती कार्ड बनवाया और कराची के एक कॉलेज में LLB की डिग्री ले ली। फिर एक दिन रविंद्र ने अखबार में पाकिस्तानी सेना भर्ती का इश्तिहार देखा। रविंद्र ने मौके का फायदा उठाते हुए फॉर्म भर दिया और भगवान की दया से उसमें वह सफल हो गए और इस तरह रविंद्र पाक आर्मी में एक सिपाही बन गए थे। कहा जाता है कि रविंद्र उर्फ नबी अहमद साकिर ने पाकिस्तानी सेना को अपने काम से इतना खुश कर दिया था कि सेना में वह मेजर के पद तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान में मेजर का पद काफी ओहदा रखता है और अंत में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी जखीबर शेख की बेटी फातिमा से शादी कर ली। फातिमा से रविंद्र दिल से प्यार करते थे, पर रविंद्र ने फातिमा को कभी नहीं बताया कि वो उसके देश की जासूसी कर रहा है और वो एक भारतीय हिंदू है और मुसलमान बन के उससे शादी की। शादी करना रो में बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी किसी को यह शक नहीं होगा कि यह व्यक्ति विदेशी है, क्योंकि शादी के बाद उसके रिश्तेदार पाकिस्तान में भी हो जाएंगे। तो ऐसा ही रविंद्र ने भी किया। वो भारत को कई महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान से लगातार भेज रहा था। इधर रो के अधिकारी खुश
उधर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना उसके काम से खुश। सब बढ़िया चल रहा था, पर तत्कालीन भारत सरकार से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। हुआ यूं कि कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि रविंद्र की सहायता के लिए एक और आदमी पाकिस्तान भेजा जाए। रविंद्र से जब इसके बारे में पूछा गया तो रविंद्र ने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काम कर लूंगा। पर तत्कालीन भारत सरकार के दबाव में रविंद्र को हामी भरनी पड़ी। फिर एक और रॉ के एजेंट को रविंद्र की मदद के लिए पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। उस एजेंट ने भारत बॉर्डर तो पार कर लिया, पर सीमा पार रुक गया एक होटल पर चाय पीने, जहां कुछ पाकिस्तानी सैनिक पहले से बैठे थे। उन सैनिकों को इस एजेंट की बोलचाल से उस पर शक हो गया। सैनिकों ने उस एजेंट को पकड़ लिया और उससे पूछा कि कौन हो तुम। इस पर उस अनट्रेंड मूर्ख एजेंट ने बोला, भारत से आया हूं मेरे दोस्त से मिलने। पर दोस्तों समय ही खराब था। उनमें से एक ने कहा, बता कौन है तेरा दोस्त, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह रो का एजेंट शुरू हो गया। बोला कि मैं रो का एजेंट हूं, यहां पहले से मौजूद रो के एजेंट की मदद करने आया हूं, जो आपकी सेना में मेजर हैं, जिसने आपके देश में हिंदू होते हुए भी मुस्लिम लड़की से शादी की। ये सब उसने बोल दिया। पाकिस्तानी सैनिक एकदम हक्का बक्का रह गए। सेना के एक सैनिक ने कहा, तुम उससे कहां पर मिलने वाले थे, उससे उसी प्लान के मुताबिक मिलो, पर उसे शक नहीं होना चाहिए। प्लान के मुताबिक सुबह उसने रविंद्र को जिन्ना उद्यान में बुलाया। रविंद्र समय पर पहुंच गए। दोनों ने हाथ मिलाया और चाय ऑर्डर की ही थी कि पहले से ताक में बैठे पाक सैनिकों ने रविंद्र को दबोच लिया। कहा जाता है कि रविंद्र को उस एजेंट पर इतना गुस्सा आया कि रविंद्र ने उसको वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। खैर, रविंद्र को पकड़कर डाल दिया गया पाकिस्तान की अंडरग्राउंड जेल में, जहां न सूरज की रोशनी थी न ही चांद की ठंडक थी, तो बस गुमनामी। कहते हैं कि अगले 12 दिनों तक रविंद्र को उसी बेरक में बिना खाने के रखा गया। रविंद्र के लिए जेल की बेरक के ऊपर से पानी डाला जाता था, उतना ही जिससे कि वह जीवित रह सके। रविंद्र जेल में चाट चाट कर पानी पीते थे। 12 दिन बाद रविंद्र को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पर पाकिस्तान के कुछ मानवाधिकार संस्थाओं ने इस फांसी को उम्र कैद में तब्दील करवा दिया। रविंद्र को 12 दिन तक उस गुप्त कमरे में बंद रखने से रविंद्र को हृदय की बीमारी हो गई थी, जिसका न तो पाकिस्तान की जेल ने इलाज करवाया और न ही उन्होंने इसका हाल जानना चाहा। रविंद्र को अब रोज सुबह से शाम खाने में पिटाई, भयंकर पिटाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। इस बीच रविंद्र अपने घर पर खत भी लिखा करता था, जो खत आज भी उसके घर पर मौजूद हैं, जिसमें रविंद्र लिखा करता था कि मैं कोई दुबई वुबई कमाने नहीं गया, मैं जासूसी करने पाकिस्तान गया, जहां मुझे भारत सरकार की गलती के कारण धर लिया गया। मैं तो भारत सरकार के लिए ही इस पराए मुल्क में आया। मैंने उनको कई सारी जानकारियां दी। मैंने उनको सन 71 के युद्ध को जीतने में बहुत सहायता की। इंदिरा गांधी ने मुझे ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। अब मुझे टीबी और हृदय रोग हो गया है, जिसका इलाज इस मुल्क में कहीं नहीं है। मुझे बचा लो, मैं भारत की जमीन पर मरना चाहता हूं। रविंद्र के पिता बार बार भारत के नेताओं से मिलते रहे। नेताओं ने इतना ही कहा कि उसने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि पकड़ा गया तो उसकी कोई सहायता नहीं होगी और हम दुनिया में भारत का नाम खराब नहीं करना चाहते। और अंत में साल 2001 में पाकिस्तान का टॉर्चर सहते सहते रविंद्र ने पाकिस्तान की जेल में ही प्राण त्याग दिए। भारत सरकार ने रविंद्र का शव लेने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की नीचता भी गजब है। उन लोगों ने रविंद्र का शव कचरे के साथ जला दिया। कहा जाता है कि रविंद्र की मुस्लिम पत्नी भी उससे मिलने एक बार जेल आई थी। उसने बस यही पूछा
क्यों किया मेरे साथ ऐसा? रविंद्र का जवाब था, मेरे देश के लिए। फिर वो उससे मिलने कभी नहीं आई। रविंद्र और उस मुस्लिम महिला का एक बेटा भी है जो पाकिस्तान में ही रहता है। दोस्तों, रविंद्र इतना महान रूप बदलू था कि वो पाकिस्तानी फौज में मेजर रहते हुए भी 5 बार अपने परिवार से मिलने भारत आया और ऐसे छुट्टियां बिताई जैसे कि कोई भारतीय फौजी अपने घर पर छुट्टियां बिताने आता हो। पर कभी पाकिस्तान को उस पर शक नहीं हुआ। बस तत्कालीन भारत सरकार की एक छोटी सी गलती रविंद्र को ले डूबी। अगर वो गलती न होती तो मैं दावे से कहता हूं आज तक रविंद्र पकड़ में नहीं आता और भारत को कई सूचनाएं मिलती रहती। तो दोस्तों, ऐसे महान वीरों के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए, मैं चलता हूं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए।